हम इंटरमीडिएट लेवल में भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इट्स योर एक्सरसाइज 5B। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर आपके पास है जी 121। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वो कहते हैं कि दैट a इज इक्वल टू p प्लस 2q डिवाइडेड बाय 3। यू आर गिवन दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हाइल k इज 7 एंड q इज 9। फॉर्मूला ऑलरेडी आपको गिवन है दैट k इज इक्वल टू p प्लस 2q डिवाइडेड बाय 3। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब k 7 और q क्या है आपके पास 9। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो जो वैल्यूज आपके पास गिवन है वो वैल्यूज पुट कर दें कि a की वैल्यू 7 है जी। टीचर ये जो आप लिखवा रही हैं ये सारा हमने नोट करना है। आपने ये न्यूज कॉपी पे सेक्शन करना है जो मैं अभी रफ कॉपी पे कर रहा हूँ। आप ठीक है, आपके पास स्कूल की कॉपी नहीं है अभी? है। आप ऐसा करें ना, मेरी बात सुने, जब मैं सवाल पूरा कर लूँ ना तो मैं एक दो मिनट के लिए रुकूंगी, आप तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी नोट ना करें, आप स्क्रीनशॉट लेगा फिर उसको नीच करके अपनी स्कूल की कॉपी पे उतार लें। अभी सिर्फ इसको समझे, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक। हाँ जी, k इज इक्वल टू p प्लस 2q डिवाइडेड बाय 3। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब k 7 और q क्या है 9। k की जगह उसकी वैल्यू आ गई 7 इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास नहीं है 2 और q की वैल्यू आपके पास क्या है 9 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास वैसे ही रहेगा। 7 इज इक्वल टू p प्लस 2 9 आर 18 डिवाइडेड बाय 3। और ये अपना माइक ऑफ करें, अपना नेम चेंज करें, सही नेम से एंटर हो वरना आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे हम। अपने माइक ऑफ रखा करें जब मैं बात करें, ध्यान से देखिए अपना माइक ऑफ रखें। मैंने वो वैल्यूज पुट कर दी है जो मेरे पास सी 2 9 जा रहा 3 3 आपके पास डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 × 3 इज इक्वल टू पी प्लस 18 आ जाएगा। 7 × 3 = 21 इज इक्वल टू पी प्लस 18 ऐड और इस तरफ आकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। 21 - 18 कितना होता है 3 इज इक्वल टू पी। तो आपके पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, पी की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 3। ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। फॉर्मूला गिवन था पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जब के 7 और क्यू 9 था। के 7 और क्यू 9 2 9 जा रहा 18 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करें ऐड और जाकर सब्ट्रैक्ट करें पी की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया तो प्लीज देना। टीचर आपकी ये क्लियर नहीं है वीडियो, तो समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। और टीचर टीचर जी जी पूछिए। टीचर ये जो आपने किया हुआ है ये मुझे समझ नहीं आई। टीचर ये आपने प्लस ये पी और पी की वैल्यू हमने करनी है। टीचर आपने p को इक्वल टू किस एक साइड पे नहीं रखा, आपने 7 को क्यों रखा है? k की वैल्यू 7 थी ना, तो जहां k है वहां क्या आ गया 7। p के लिए हमें नहीं पता, तू वैसे ही ओके मैंने q की वैल्यू 9 आ गई, ये 3 वैसे ही है, ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 9 जा 18 हो गया, ये ऐड हो रहा इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा 21 - 18 3 आ गई p की वैल्यू। ओके Excuse me, teacher. जी जी टीचर ये जो आपने q की जगह 9 लिखा हुआ है, अगर हम इधर q ही लिख दें क्या लिख दें q? आपके पास जब q की वैल्यू है 9 तो q टू लिखने की जरूरत क्या है? टीचर ने दी हुई है ना, तो पहले एक सवाल पूरा दिया करें। वैल्यू 9 है तो क्यू की जगह आप 9 लगाएं, ना लगाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर वैल्यू नहीं है तो ना लिखें, जैसे मेरे पास पी था, मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं थी तो मैंने नहीं लिखी। और जो आपने 9 के 9 को ब्रैकेट में क्यों रखा है? यहाँ पे 2 और क्यू के साथ के दरमियान में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, ऐसे ही है। तो जब आप क्यू की वैल्यू लगाएं
तो आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। टीचर जी पूछे टीचर, तो क्यू की वैल्यू 9 ही रहेगी और के की 7 ही रहेगी या चेंज होगी? बेटे क्यों चेंज होगी, जब उन्होंने खुद सवाल में ही कह दिया है कि के की वैल्यू 7 है, क्यू की वैल्यू 9 है, फिर चेंज करने की क्या जरूरत है? ओके, नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 इज इक्वल, मैं आपको दिया है u इज इक्वल टू पाई। पीछे एक मिनट, वो मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़ा दे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा ले u इज इक्वल टू पाई इनटू h। आपने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब u की वैल्यू 16 होल 1/2 है एंड योर वैल्यू ऑफ h इज 2, और उन्होंने कहा है दैट टेक pi इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास देखें, u इज इक्वल टू पाई इनटू r प्लस h, फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन u इज 16 होल 1/2, h इज 2 एंड टेक pi टू बी 22/7। अगर पाई की वैल्यू ना भी गिवन हो तो इसको मेमोराइज करें कि पाई की वैल्यू 22/7 ही है। जी मैं यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगी हूँ। u इज इक्वल टू पाई इनटू r प्लस h, u की वैल्यू आपके पास क्या 16 होल 1/2, पाई की वैल्यू क्या है जी 22/7, r की वैल्यू हमें नहीं पता जबकि h की वैल्यू कितनी है 2, 16 2s are 32 और 1 हो जाएंगे 33/2 इज इक्वल टू 22/7 और आ जाएगा r प्लस 2। 7 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 22 और इस ब्रैकेट के दरमियान कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, इसका मतलब है कि 22 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो रही है आर प्लस टू, वैसे ही आ जाएगा। दोबारा से देखें कि 7 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 22 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब आपकी मर्जी है कटिंग करना चाहते हैं, 11 3s are 33, 11 2s are 22, दो फ्रैक्शंस पड़ी हो तो और मल्टीप्लाई करना हो तो सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7s are 21, 2 2s are 4 इज इक्वल टू आर प्लस 2। हमें आर की वैल्यू चाहिए, 2 इज बीइंग एडेड ऑन राइट साइड ऑफ इक्वेशन सो ऑन द लेफ्ट साइड इट विल बी सबट्रैक्टेड, सो 21/4 - 2 इज इक्वल टू आर। एक फ्रैक्शन है, एक नंबर है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप लिखें जी 21/4 or 2, एलसीएम कितना आएगा 4, एलसीएम लिख 21/4 - 2 इज इक्वल टू आर पड़ा हुआ है, एलसीएम आ जाएगा 4, 21 - 4 2s are 8, 21 - 8 कितना होता है 2 × 3, 13/4 इज इक्वल टू आर, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 4 3s are 12 1/4, आर की वैल्यू आ गई 3 होल 1/4। क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा से देख लें, यू आर गिवन दैट यू इज इक्वल टू पाई इनटू आर प्लस एच, ये आपके पास फॉर्मूला था, यू की वैल्यू 16 होल 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की नहीं है प्लस एच की वैल्यू कितनी है 2, 2 16s are 32 और 1 हो गए 33/2 इज इक्वल टू 22/7 इनटू आर प्लस 2, 7 डिवाइड हो इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 22 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो इज इक्वल टू आर प्लस 2, 11 3s are 33, 11 2s are 22, 3 7s are 21, 2 2 ऐड हो रहा है इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा 21/4 और 2, एक फ्रैक्शन है एक नंबर है, सबट्रैक्ट करना है तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, 4 2s are हो जाएगा 8, सबट्रैक्ट करें 13/4 इज इक्वल टू आर, इंप्रॉपर फ्रैक्शन डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। बेटे 1/1 करके क्वेश्चनिंग किया करें, ऐसे समझ नहीं आएगी आप लोगों को, ना आप लोगों को मेरी समझ आएगी ना मुझे आपकी समझ में आएगी। टीचर बस स्क्रीन को ये आंसर तक कर दे, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। बेटे आपको ये अलग लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट और ये अलग लेना पड़ेगा, मेरा डिफरेंट पेजेस रहेंगे, ऐसे कर ले। टीचर इससे क्लियर नहीं हो रहा, आपको दो स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पेजेस डिफरेंट हैं। ठीक है टीचर, ले लूंगा।
मिस यस मिस ये आपने जो एंड में मिक्स फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट किया है वो करना लाजमी होता है क्या? जी वो करना लाजमी होता है, 0.5 मार्क्स कट जाते हैं अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज ना करें तो। मिस मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा क्या है कि 0.5 मार्क्स कट जाएंगे? बात ये है कि हमने सवाल को उस हद तक सॉल्व करना होता है जहाँ उसके साथ हम और कुछ ना कर सके। अगर आप यहाँ तक सवाल छोड़ते हैं ना तो हमें पता है कि हमें इसको डिवाइड करना है, लेकिन हमने नहीं किया, हमने तो सवाल को वहाँ तक सॉल्व ही नहीं किया जहाँ हम उसके साथ मजीद कुछ और ना कर सकते। यहाँ पे अगर आके आप रुक जाए तो आपको पता है कि आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप ना करें तो वो सवाल इनकम्प्लीट कंसिडर होता है। Okay. I hope that you all have taken the screenshot of question number 7. Now I'm going to move towards my question number 8. Question number 8 is given that if v square is equal to u square plus 2gs, find the value of s if v is 25, u is 12 and g is 10. V square is equal to U square plus 2GS. You have to find the value of S when V is 25, U is 12 and G is 10. Solution, aap yahan se start karein. V square is equal to U square plus 2GS. V ki value hai 25. Uske upar square bhi hai, to ye aa gaya square. U ki value hai 12. 12 ka aa gaya square. Plus 2G ki value kitni hai 10. Aur hamare paas S ki value nahi hai. 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 25 into 25, वो होता है जी 620. आप लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, मुझे पहले ही पता है कि 625 1, that is why I am not going towards the multiplication. 625, 12 square, 12 square का क्या मतलब है? That 12 into 12, वो कितना होता है? 144. आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके निकालना, मुझे पहले ही पता है कि 144 आना. 2 tens are 20 और ये साथ क्या आ जाएगा? S. The sign of a number is always written before it. Before 144, there is no sign between. 144 is a perfect number. So when you will take this 144 on the left side of equation, it will be a negative number. So 625 minus 144 is equal to 20s. 5 minus 4 is 1. 12 minus 4 is 8. मिस जी मिस यादा का माइक अनम्यूट है, उसकी उसकी तरफ से आवाज आ रही है बहुत ठीक है। एक मिनट एक मिनट, जो सवाल पूछने से उसी का माइक ऑन हो, बाकी अपने माइक ऑफ रखें। जो सवाल पूछे जाते हैं किसी का माइक ऑन हो, बाकी माइक ऑफ हो। हैदर पहले मुझे रिपीट कर लेने दे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। v मैंने फार्मूला वैसे ही लिखा, v की वैल्यू है 25, u की वैल्यू है 12, 2g की वैल्यू है 10 और हमारे पास s की वैल्यू नहीं। 25 का स्क्वायर का मतलब है दैट 25 इन 25 वो आ जाएगा 625। 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 इन 12 वो आ जाएगा 144। मुझे पता है कि क्या आना है मल्टीप्लाई करके, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। आप लोगों ने करना है मल्टीप्लाई। 25 144 आ गया, ये ऐड और इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो गया। 20 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल ऑन द अदर साइड, इट विल बी डिवाइडेड आफ्टर डिवीजन। न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, आफ्टर डिवीजन यू हैव टू चेंज योर क्वेश्चन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ s। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ है।
स्क्रीन शॉट लेना तो प्लीज जरा जल्दी से ले लें। जी पूछे टीचर, मेरा लैपटॉप है तो मैं स्क्रीनशॉट कैसे लूं? आपके लैपटॉप के ऊपर एक बटन होगा। टीचर फोन से ले ले। टीचर कौन सा वाला? आपके पास कोई बड़ा नहीं बैठा होगा, उससे पूछे। ओके जी, तो उसे नंबर 9 की तरफ मूव कर लेते हैं। टीचर जी पूछे। टीचर ये 481 किसका है? ये 481 जी ट्रैक करके सब्ट्रैक्ट करे ना 481 आ जाता। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इफ ए बाय बी माइनस डी इज इक्वल टू 2c by b, ए बाय बी माइनस डी इज इक्वल टू 2c by b, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन ए इज 3, बी इज 4 एंड डी इज माइनस 5। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब ए 3, बी 4 और डी क्या माइनस 5। a by b minus d is equal to 2c by b, c देखिए हमें फाइंड आउट करनी है when a is 3, b is 4 and d is minus 5। अगर आपने कोई सवाल नहीं पूछना तो प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। सवाल कोई नहीं है तो अपना माइक ऑफ रखें। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। a by b माइनस डी इज इक्वल टू 2c by b। योर वैल्यू ऑफ a इज 3, b इज 4, माइनस d की वैल्यू है जी माइनस 5। दो माइनस हो जाएंगे, आपको ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। 2c की वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू कितनी है 4। 3 एक फ्रैक्शन है, एक नंबर सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 हो जाएंगे जी 23 बाय 4 इज इक्वल टू 2c by 4। 4 डिवाइड और इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू c, 4 से कैंसिल, 23 by 2 इज इक्वल टू c आ गया। फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। 2 ones are 2, 2 ones are 2, c की वैल्यू आ गई 11 whole 1/2। डिवीजन खुद कर लेगा, डिवीजन बहुत आसान है। a by b minus d is equal to 2 c by b, value of a is 3, b is 4, d is minus 5 and you have to find the value of c। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक फ्रैक्शन एक नंबर सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 5 20, 23 हो जाएंगे, 23 by 4, 4 डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इधर आकर हो जाएगा, हेलो 23 by 2 आ गया। 23 by 2 को डिवाइड करें और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें, आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 11 whole 1/2। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आई होप आके आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ रहे हैं। 10 लिखा हुआ है कि जी 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/d। 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/d। a की वैल्यू कितनी है 1/2, b की वैल्यू कितनी है 1/4,
डी की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाय फाइव. सोल्यूशन गौर से देखिएगा कि सवाल कैसे होना. ए की वैल्यू कितनी है वन बाय टू, बी की वैल्यू कितनी है वन बाय फोर और डी की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाय फाइव. लेकिन मेरे फॉर्म में मैं तो वन बाय ए लिखा हुआ है. इस ए के डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है वन, ऐसे ही है. इस बी के डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है वन, इस डी के डिनोमिनेटर में क्या पड़ा वन. अगर मैं अपनी ये वाली फ्रैक्शन इन्वर्ट कर दूं, वन ए बाय वन था, मैंने इसको वन बाय ए कर दी है. अगर मैंने अपनी लेफ्ट साइड इन्वर्ट की है तो मुझे राइट साइड भी इन्वर्ट करनी पड़ेगी. अगर ये a बाय वन था, मैंने इसको वन बाय ए किया तो ये वाली फ्रैक्शन भी इन्वर्ट हो जाएगी, टू बाय वन हो जाएगी. ये b बाय वन है, मैं इसको वन बाय बी करूँ, उल्टा कर दूँ तो ये वाली फ्रैक्शन भी उल्टी हो जाएगी. अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो ये वाली फ्रैक्शन भी उल्टी हो जाएगी. ऐसे ही होगा. अगर आप अपनी लेफ्ट साइड वाली फ्रैक्शन उल्टा रहे हैं तो राइट साइड वाली भी उलट जाएगी. डिनोमिनेटर में वन हो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, तो ये टू ही रह जाएगा. यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में वन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस वन है, सिर्फ आप माइनस ऊपर ले जाए, वन को छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैंने पहले क्या किया कि मैंने ये जो तीनों वैल्यूज गिवन थी नहीं, मैंने इनको पहले इन्वर्ट कर लिया, उल्टा लिया. मैंने सबको क्या किया, उल्टा लिया, तो मेरी अपनी इस तरफ वाली फ्रैक्शन भी उलट जाएगी. ये मैंने काम क्यों किया, क्योंकि मुझे वन बाय ए वन बाय बी वन बाय डी की वैल्यू चाहिए थी, वन बाय ए वन बाय बी वन बाय डी इनकी वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने इनको उल्टा लिया ताकि मेरा काम आसान हो जाए. फॉर्मूला है जी वन बाय ए माइनस वन बाय बी इज इक्वल टू वन बाय सी प्लस वन बाय डी. वन बाय ए की वैल्यू आ गई है टू, पूरी वन बाय ए की वैल्यू टू है, तो आप पूरे के पूरे वन बाय ए की जगह क्या लिख देंगे टू. माइनस वन बाय बी की वैल्यू कितनी है फोर इज इक्वल टू वन बाय सी प्लस और वन बाय डी की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव. टू माइनस फोर कितना हो गया माइनस टू इज इक्वल टू वन बाय सी प्लस माइनस माइनस फाइव. ये माइनस और इस तरफ आकर क्या हो जाएगा एड इज इक्वल टू वन बाय सी. ये हो जाएगा थ्री इज इक्वल टू वन बाय सी, सी डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री सी इज इक्वल टू वन, थ्री मल्टीप्लाई और इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई वन बाय थ्री. क्वेश्चन नंबर टेन थोड़ा ट्रिकी था लेकिन बड़ा आसान था. हमने इसमें ट्रिक यूज कर लिया कि हमें ए बी और डी की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने वन बाय ए वन बाय बी और वन बाय डी की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर ली, यानी कि फ्रैक्शंस को मैंने इन्वर्ट कर लिया. इन्वर्ट करके मैंने अपनी क्वेश्चन में वैल्यू पुट की है, सी डिवाइड और इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई और इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास वन बाय थ्री. क्वेश्चन नंबर टेन है आपके पास. टीचर इसमें आपने वन बाय ए की जगह उसकी उसकी वैल्यू पुट की है. जी ये वन बाय ए लिखा हुआ था ना, तो मेरे पास वन बाय ए की वैल्यू कितनी है टू, तो मैंने वन बाय ए की जगह क्या लिख दिया टू, वन बाय बी की जगह लिख दिया फोर, वन बाय डी की जगह लिख दिया माइनस फाइव. टीचर आपने वन बाय सी की फिर वैल्यू करनी थी. मेरे पास सी की वैल्यू है नहीं, देखो लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, मेरे पास सी की वैल्यू है नहीं, मैं कैसे कर दूं सी की वैल्यू. ओके कोई और सवाल क्लास सिक्स. क्लास सिक्स को अभी तक कोई होमवर्क नहीं मिला. मैंने आप लोगों को दिया क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर टेन. एक दो तीन चार पांच, पांच सवाल हल करके दिए मैंने. आखिरी सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद हम आपका क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 देख लें क्या लिखा हुआ है. n इज इक्वल टू m इन ओवर x प्लस q, q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन n इज वन होल 4 बाय 5, m इज 9 एंड x इज 2. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. n इज इक्वल टू m ओवर x प्लस q, n n की वैल्यू है 1 होल 4 बाय 5, m की वैल्यू है 9, x की वैल्यू है 2 और हमें नहीं पता कि q की वैल्यू क्या है. 5 वन जा 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 9 बाय 5 इज इक्वल टू 9, 2 प्लस q. दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में इक्वल टू है, इधर इधर ध्यान दें, दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन.
9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 2 के साथ, और ये वाला 9 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ. 9 2 जार 18 प्लस 9 क्यूब, 9 5 जार 45. 18 is being added on left side of equation, on the right side it will be subtracted. 9q is equal to 3 aur 5, 2 aur 5 7, 3 minus 1 2. 9 is being multiplied variable on the right side, it will be divided. 9 3 so kill 9 3. You are given that n is equal to m over x plus q, and the value of n was 1 whole 4 by 5, the value of m was 9, x was 2, and we don't have the value of q. 5 1 is 5 n plus 4, 9 by 5 is equal to 9 over 2 plus q. Dono fraction that darmiyan mein equal to, then we went to cross multiplication. 9 was being multiplied with 2 plus q, 9 was being multiplied with 5. 9 2 is 18, 9 q is equal to 9 5 is 45, 18 is being added on left side of equation, on the right side it will be subtracted. After subtraction you got 27. Because there is no mathematical operation between 9 and q, which means they are being multiplied. So when you will take this 9 on the right side, it will be divided. After division, 9 3s are 27. Your value of q came to be 3. This was your question number 11. आज के लिए क्लास 6 को कोई होमवर्क नहीं मिला, लेकिन आपने ये सारे सवाल अपने नीट कॉपी पे सॉल्व कर लेने हैं, और ये जरूर अपने हाथ से एक बार करने हैं. हमने स्टार्ट किया था 5B इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन नंबर 6 से. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. Then your question number 7. Half part of question number 7 is on the next page, which is right here. This after question number 7, I have solved question number 8. Iska baki hissa ye hai. Question number 9. Division ko mixed fraction mein change kiya yahan pe. This is your question number 10. And your last question, question number 11. Excuse me, miss. Yes. Miss, ये जो होते हैं practice now, ये नहीं करने हैं हमने. कहाँ पे लिखे हैं practice now? Exercise से पहले जो लिखे होते हैं examples के बाद. वो प्रैक्टिस ना स्टूडेंट ने खुद करना. टीचर जी, टीचर क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर एक दफा कर दे, वो मैंने नहीं लिखा. मिस हर वर्क एग्जांपल के बाद लिखे जी लिखा होता, लेकिन वो स्टूडेंट ने खुद सॉल्व करना है. टीचर जैसे टीचर